देश में इसमें कहीं दो मत नहीं है क्या है? भारत में मोदी जी के प्रति जन सामान्य की विश्वसनीयता बढ़ी है, हमारे देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की NDA सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। केवल स्पष्ट बहुमत नहीं बल्कि पिछली बार से अधिक सीटें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और NDA के जितने घटक हैं सबको प्राप्त होगी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे जितनी गंभीरतापूर्वक इस समय लेते हैं। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है। और मैं कहना चाहूँगा राहुल जी को भी, यदि आलोचना करनी है, हेल्दी डेमोक्रेसी में सबको आलोचना करने की सराहना करने की पूरी आज़ादी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं मंच उपलब्ध करा सकता। चाहे यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हो, दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहिए तो अपने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने भारत की अपने देश की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ के स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी वह प्रश्न चिन्ह विदेशों में जाकर लगाते हैं, जबकि भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की चर्चा दुनिया के सभी देशों में होती है। लोगों का यह मानना है जिस प्रकार की हेल्दी डेमोक्रेसी भारत में है, शायद ही दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की हेल्दी डेमोक्रेसी है। धन्यवाद।